बात बलौदाबाजार की होगी, जहां पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से कोविड सेंटरों में प्रभाव पड़ेगा। कई कर्मचारी की ड्यूटी कोविड सेंटरों में लगी हुई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कर्मचारी काम पर वापस नहीं लौटे तो उन पर एस्मा लगाकर कार्रवाई की जाएगी। जिले में कुल लगभग 308 संविदा कर्मी हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। उसमें कुछ प्रबंधक स्तर के हैं, कुछ डाटा ऑपरेटर हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, फार्मासिस्ट और टेक्नीशियंस, इस तरह के पद हैं, जिनके द्वारा 308 में से 256 लोगों की सूचना प्राप्त हुई है जो स्ट्राइक पे हैं। हो सकता है कुछ की जानकारी और मिले शाम तक। हमारी मुख्य मांग है नियमितीकरण की मांग है। जो 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी NHM और CGCS के कार्यरत हैं प्रदेश में, उनके नियमितीकरण की एक सूत्री मांग है। जीवन रहने तक ऐसा कुछ सौगात दीजिए जो नियमितीकरण के रूप में हम मांग रहे हैं। हम पूरे जनता को उनकी जीवन बचाने के लिए 8-8 महीने से परिवार से दूर रह करके अपने प्राण की आहुति देते हुए काम कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन आप हमें जीवन जीने तक के ये जो नियमितीकरण का जो हमारा मांग है उसको पूरा करिए। हम निस्संदेह निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। कोरोना